तो गाइस कैसे हो आप लोग। एक और मॉर्निंग व्लॉग पे आप लोगों का स्वागत है। डॉलर द GST इसको बस घुमाने लाया था मैं अभी मॉर्निंग में। थोड़ा गांव इस टाइम खाली खाली रहता है इसलिए। क्या दिख गया डॉलर? चलो चलो आगे चलते हैं थोड़ा। तो चलते चलते बात करते हैं। बात करना चाह रहा था आज मैं कि ये जो कॉलर होते हैं डॉग कॉलर्स, ये जो टिक्स एंटी टिक्स एंड फ्लीज वाले होते हैं, आपको ये बताना चाह रहा था कि ये काम करते हैं अच्छे से या नहीं करते हैं, क्योंकि मेरे लिए भी एकदम नया एक्सपीरियंस था ये। एंड बेसिकली कुछ लोगों के लिए हेल्पफुल होगा जो कि सोच रहे होंगे कि हम कॉलर लें या ना लें, क्योंकि महंगी चीज़ होती है तो सोचना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है। बाकी किसी का रिव्यू मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता है, मैं खुद भी देखता हूँ इधर उधर रिव्यू। तो इनफैक्ट मैंने रिव्यू तो नहीं देखा था, लेकिन मेरे जो वेट था उसने सजेस्ट किया था। तो मैं बताना चाहता हूँ ये जो बेयर का कॉलर है, अभी मैं दिखाऊँगा इसका वीडियो में, इसने गले में पहना हुआ है, बेयर का आता है कंपनी का, ये 800 समथिंग का पड़ा था मुझे। मैंने कोई रिव्यू वगैरह नहीं देखा था, वेट के कहने पर लिया था, इसको मैंने लगाया था। क्योंकि अभी जो डॉलर है ये विलेज में है, गांव पे देखो पूरा विलेज है, विलेज एरिया देखो, गेहूँ खेत लगे हैं इसमें। तो मैंने सोचा था यहाँ तो बहुत सारे कुत्ते रहते हैं ऐसे, तो उनके टिक्स वगैरह तो पड़े ही रहते हैं, क्योंकि बाहर कुत्ते के पड़े रहते हैं उसमें, तो क्या पता इसके भी पड़ जाएँ। क्योंकि मैंने वहाँ दिल्ली में जब इसको रखा था तो जब भी बाहर जाता था तो कुछ ना कुछ टिक्स वगैरह तो पड़ ही जाती थी इसकी, तो वही सोच रहा था मैं। देखो बीच सड़क पे बैठ गए, तो वही सोच रहा था कि यहाँ टिक्स ना पड़ जाए। एक काटा है उसमें, चलो आगे चलो थोड़ा और आओ आगे चले। तो हाँ क्या कह रहा था, वही डर था मुझे, नहीं गेहूँ नहीं ठीक, गेहूँ गाइस इसके लिए बहुत ख़तरनाक टाइप की चीज़ है, क्योंकि अभी इसको मालूम नहीं क्या क्या खाना है क्या क्या नहीं, तो इसके बारे में बात बताऊंगा। तो अभी फ़िलहाल बताता हूँ इसके लिए कि जो ये बेयर का मैंने ख़रीदा था टिक्स कॉलर, ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो इसमें पहले बताना चाहता हूँ ये इफ़ेक्टिव है कि नहीं है। ठीक है, तो गाइस हाँ ये इफ़ेक्टिव है, बहुत इफ़ेक्टिव है। मैं सोच रहा था कि कैसे ये छोटा सा कॉलर कैसे टिक्स एंड फ्लीज को दूर करेगा, लेकिन इफ़ेक्टिव है। बस इसको ये है पानी से बचाना रहता है, पानी अगर जो पड़ गया तो उसमें जो केमिकल रहता है ना वो निकल जाएगा, फिर वो केमिकल निकल जाएगा, फिर इसकी इफ़ेक्टिवनेस ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए इसको जब भी आप नहलाओ या पानी में ले जाओ तो उसको निकाल दो आप कॉलर को, फिर जब एकदम सूख जाए ना फिर इसको पहनाओ आप कॉलर को, तो उससे इसकी इफ़ेक्टिवनेस बनी रहती है। ठीक है, तो इफ़ेक्टिव है। अभी इसको लगाए हुए 1.5 महीना हो गया है, इन 1.5 महीने में एक टिक्स मुझे दिखी थी इसके गले में, कोई आ रहा है पकड़ लेता। गाँव के लोग काफ़ी डरते हैं इससे। हाँ तो मैं बता रहा था कि इफ़ेक्टिव है, एंड 1.5 महीने में इसकी केवल एक टिक्स पड़ी थी, वो जो मोटी वाली वाइट वाली होती नहीं है जो फूल की मोटी आती है, वो वाली केवल एक पड़ी थी। एंड बेयर की जो गाइडलाइंस थी उसमें भी लिखा हुआ था कि एक दो टिक्स पड़ सकती हैं जो कि अपने आप निकल जाएंगे 2-3 दिन बाद। ओ हाँ, सुबह शाम दोनों टाइम। हो डॉलर, हाँ तो वही बता रहा था इफेक्टिव है काफ़ी। बैठ जाओ डॉलर, सेट सेट, इतना चंचल है सुनता ही नहीं अभी। सेट डॉलर बैठो, एक्चुअली इसकी जो जगह डिसाइड होती है ना वहीं बैठता है ये ज़्यादातर,
अभी थोड़ा सा आगे जाएंगे वहाँ पे, तो वहाँ उसकी जगह डिसाइड है। हम लोग घूम के आते हैं तो वहीं बैठते हैं। सिट डॉलर, सिट, गुड बॉय। हाँ थोड़ा आराम कर लो, अब मैं आपको दिखाता हूँ कॉलर। ये देखो ये वाइट वाला है ना, येलो टाइप का थोड़ा, ये कॉलर है ये वाला, देखो मैंने बांधा हुआ है इसके। तो फ्री से जाता है, इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो काट के। मैंने लेकिन इसको बड़ा ही कर दिया है, बड़ा ही पूरा बांध दिया है, क्योंकि थोड़ा वो बड़ा होगा तो अगर जब मैं काट देता है इसको कॉलर को, तो फिर बड़ा जब होता है डॉलर 2-3 महीने में और तो दिक्कत रहती फिर, इसलिए मैंने काटा नहीं, पूरा ऐसे लपेट के बांध दिया है। तो गाइस हाँ बिल्कुल इफेक्टिव है, एंड आप इसके जा सकते हो, ले सकते हो कॉलर को बेयर का। एंड इसके अलावा मैं इसको अभी थोड़ी गर्मी आ रही तो 10 दिन में एक बार इसको नहला रहता हूँ, जो टिक्स पाउडर होता नहीं है, टिक्स पाउडर नहीं, टिक्स शैम्पू एडनिका हिमालय वाला, और इसके अलावा पाउडर भी यूज़ करता हूँ हिमालय का। एंड महीने में एक बार मैं रिड जो सोल्यूशन आता है उसको 2 ml 1 लीटर पानी में डाल के उसको नहाने के बाद सोल्यूशन इसको लगा देते हैं, ठीक है, तो एकदम सेफ रहता है। और देखना पड़ता है हमें टिक्स पड़ी है कि नहीं पड़ी है, तो बहुत ज़रूरी है भाई साहब ये देखना उखना, क्योंकि ये बताएंगे थोड़ी नहीं है, हमें ही देखना पड़ेगा, इनका ख्याल तो रखना पड़ेगा हमें ही अपनी तरफ से। तो गैस यही मैं सोच रहा था आपको अपडेट कर देता हूँ कि वर्क करता है कि नहीं। तो बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है, आप बेयर कर ले सकते हो। मैं इमेज डाल दूँगा इसका कि किस तरह से दिखता है, लिंक भी डाल दूँगा, तो आप ख़रीदो, आपका डॉग एकदम सेफ रहेगा, आपका पेट, ठीक है। तो आज की वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय डॉलर, बाय बाय।